हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 का जैक बोर्ड का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताने जा रहा हूँ 12.3 का। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, आज मैं आपको ये वाला फिगर वाला आंसर बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दिया गया है एक वृत्त, उसके अंदर एक वृत्त और उसके अंदर एक छोटा सा त्रिज्यखंड, और ये क्वेश्चन में कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि केंद्र जीरो, तो केंद्र तो जीरो है, केंद्र मीन्स बीच वाला होता है, केंद्र जीरो है वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त, तो दो वृत्त है, एक वृत्त और दो वृत्त, दोनों सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिसका केंद्र सेम दोनों का एक ही हो, तो केंद्र तो दोनों के लिए, इसके लिए भी केंद्र यही है और इसके लिए भी केंद्र यही है। ओके, कि त्रिज्या क्रमशः 7 और 14 है। एक वृत्त है, उसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 दिया गया है। पहला त्रिज्या जो दिया गया है कितना है, चलिए हम लोग बड़ा वाला का सबसे पहले बड़ा त्रिज्या लिख लेते हैं, 14 दिया है, 14 दिया गया है, 14। और दूसरा त्रिज्या कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। ओके, अब हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। ओके, फिर छोटा वाला त्रिज्यखंड उसमें से घटा देंगे, तो बच जाएगा ये वाला। ओके, सबसे पहले हम लोग ये वाला निकाल लेंगे, ये पूरा, और उसमें से ये छोटा वाला घटा देंगे, तो ये वाला बच जाएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए उत्तर, तो सबसे पहले कौन वाला त्रिज्यखंड निकालना है, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी का क्षेत्रफल, सी ए ओ सी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ये पूरा बड़े वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला को माइनस करना है, तो बी बी ओ डी, ओ डी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, चलिए बड़े वाला में से छोटे वाला को क्या करना है, माइनस करना है, तो बड़ा वाला का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, दोनों का ऐसे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा। ओके, तब हम लोग इसे फॉर्मूला लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस, इसके लिए भी थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आपको बहुत तरीके से सिंगल सिंगल निकाल के भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, और इसी साथ एक ही साथ भी निकाल लेंगे, तो ये बहुत ईजी होता है, तुरंत आंसर आ जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा, इसमें भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी 360 है, यहाँ भी 360 है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो कॉमन ले लेते हैं, थीटा बटा 360 डिग्री पाई, इसमें भी थीटा बटा 360 डिग्री पाई है, इसमें भी थीटा बटा 360 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोगों ने थीटा थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ भी थीटा, तो थीटा कॉमन 360, ये यहाँ भी है 360, यहाँ भी है, तो यहाँ कॉमन ले लिए 360, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो कॉमन ले लिए, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, तो हम लोग कॉमन इसे नहीं ले सकते, क्योंकि आर का मान तो डिफरेंट डिफरेंट है, एक बड़े वाला त्रिभुज के लिए हम लोग को आर का कितना मान दिया गया है, चलिए लिख देते हैं, बताता हूँ मैं, बड़े वाले के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग को 14 दिया गया था और छोटे वाले के लिए 7, इसलिए ये आर को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। ओके, ये आर वन है, ये आर टू है, आर वन में 14, आर टू में इतना, तो ये कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद इससे ये काटेंगे तो आर टू आर स्क्वायर बचेगा, चलिए बड़ा वाला का स्क्वायर लिख दिया और माइनस ये वाला आर टू का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा में हम लोग का मान थीटा बराबर 40 दिया गया है, 40 डिग्री, तो हम लोग इसे देख लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ थीटा बराबर कितना दिया गया है हम लोगों को, थीटा बराबर यहाँ पर 40 दिया गया है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ थीटा है, तो थीटा में 40 डाल देते हैं, यहाँ 360 है, तो 360 डिग्री गुणा पाई में 22/7 होता है, और यहाँ आर वन का स्क्वायर में, तो आर वन में कितना था, 14 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, आर टू में 7 था, तो 7 का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसे काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये 4 से 36 कट जाएगा, एक बार में 4 कटेगा, यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे कि 36 कितने बार में कटता है, तो 4 9 36, तो 9 बार में कट गया,
और इसे 22 है तो 22, नीचे 7 है तो 7 हम लोग लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 14 का स्क्वायर लिख देते हैं 196 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये हम लोग का है। नीचे ऊपर में 22 को 1 से गुना कर देंगे तो 22 से कम 22, और नीचे में हम लोग का 9 गुना 7 है। ओके, अब हम लोग इसे माइनस कर देते हैं तो 196 में से 49 माइनस करना होगा, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं 196 में से 49 माइनस करना है, तो 6 में से 9 नहीं माइनस होगा तो 1 कैरी लेंगे, 16 माइनस 9 7, 8 यहाँ बचा होगा, 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ 1, तो कितना गया 147। अब हम लोग इसे काट सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ 9 गुना 7 है तो 7 से हम लोग इसे काट सकते हैं। 7 का टेबल में तो ये आ रहा है, 7 का टेबल में 14 आता है दो बार में, 7 का टेबल में 7 आता है एक बार में, तो हम लोग का यहाँ कितना आ गया, तो इसे हम लोग 7 से दो बार में और 7 से एक बार में काट दिए। ऊपर में हम लोग का आ गया 22 गुणा 21, नीचे में हम लोग का आ गया 9, 9 से 3 का टेबल में इसे काट देंगे तीन बार में, और इसको भी काट देंगे 7 बार में, 3 से 21 आ गया हम लोग का 22 गुणा 7, यहाँ आ गया 3, और गुणा कर देंगे 7 दुना 14 का 4, हाथ बचा 1, हाथ बचा 1, और 7 दुना 14 और 1 15। ओके, आप 7 और 22 को गुणा कर लोगे, नीचे में 3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर ये हम लोग का हो गया है छायांकित भाग का, हम लोग का ये आंसर आ चुका है। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी आप, ये भी आपका त्रिज्य खंड ही है, यहाँ से अगर ऐसा राउंड कर देते हैं स्मॉल वृत्त बन जाएगा, और यहाँ से अगर ऐसा राउंड कर देते हैं तो बिग वृत्त बन जाएगा, तो ये भी आपका त्रिज्य खंड ही है। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटा वाला का निकालेंगे, और बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके चलिए हम बड़ा वाला निकालते हैं, ए ओ बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आपका बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। ओके, और इसमें से हम लोग छोटा वाला त्रिज्य खंड माइनस करेंगे, छोटा वाला त्रिज्य खंड यहाँ पर है, छोटा वाला हम लोग का नाम है सी ओ डी, सी ओ डी का क्षेत्रफल। ओके, ये भी त्रिज्य खंड ही है। ओके, ये हम लोग का लिख दिया है, हम लोग बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, तो फॉर्मूला लिख देते हैं बड़ा के लिए, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी, छोटा वाले के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर आपका बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया हूँ, और ये छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बड़े वाले त्रिज्या के लिए दिया गया है 21 सेंटीमीटर, बड़े वाले के लिए 21 दिया गया, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया गया बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बड़े में हम लोग सबसे पहले हम लोग को कॉमन लिया जाता है, तो हम लोग फिर से कॉमन लेते हैं थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री पाई, इतना तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और फिर आर में हम लोगों का, आर में बड़ा, ये बड़ा त्रिज्य खंड का है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 21 आर में 21 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ओके, और हम लोग देख लेंगे अब यहाँ पर आर टू है, आर स्क्वायर है, यहाँ पर छोटा त्रिज्य खंड का है, छोटा त्रिज्य के लिए आ रही है, तो यहाँ पर 7 होगा हम लोग का। ओके, अब हम लोग इसे, यहाँ पर हम लोग को थीटा बराबर 30 दिया गया है। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो थीटा बराबर 30 दिया गया है, तो थीटा में हम लोग 30 डाल देते हैं, बटा 360 डिग्री गुणा पाई में हम लोग 22 बटा 7, और 21 का स्क्वायर है, इसलिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, माइनस 7 का कितना होता है हम लोग का स्क्वायर 49। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, जीरो में से जीरो कट गया, 3 का टेबल से 3 वन बार में कट जाएगा, और 3 वन जा 3 नीचे वाला, और 3 टू जा 6। ओके, अब हम लोग यहाँ 22 बटा 7 है तो 22 बटा 7 लिख दिया हमें। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं 441 में से 49 को माइनस करना है, 49 को अब हम लोग को माइनस करना है, तो 1 में से 9 माइनस करेंगे नहीं होगा, कैरी देंगे यहाँ पर, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 3 होगा,
वन यहाँ खरीद दे देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ 3 होगा, मतलब यहाँ से इसे आप माइनस कर लोगे 392 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे डिवाइड करते हैं। ओके ये हम लोग का इतना आ गया 1/12 गुना 22/7 गुना 392, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। 7 के टेबल में हम लोग इसे काटते हैं, 7×5 काट देते हैं, और यहाँ 4 बचेगा, 4 आगे दे देंगे तो 42 हो जाएगा। 42 हो गया, हम लोग 7×5 = 42, 6 बार में कट जाएगा, हम लोग का 56 आ गया। ऊपर में, ऊपर में कितना हो जाएगा 22, इससे 1 से गुना कर देंगे तो 22 हो जाएगा, और ऊपर में कितना है 56। ओके ये वाला, और नीचे में कितना है 12। ओके अब हम लोग इसे 2 से काट देते हैं, 6 बार में इसे भी 2 से काट देते हैं, इसे काटे 2 से तो इसे भी 2 से, एक एक बार में। ओके हम लोग का आंसर आ गया 1×1 = 5/6। ओके फिर से इसे 2 से काटते हैं 3 बार में, और इसे 2 से काटते हैं 2 बार में, और एक यहाँ चला जाएगा 2×2 = 4, और एक यहाँ चला गया तो 8 बार में। ओके 8 बार में 16, तब हम लोग आ जाता है आंसर 1×1 अच्छा मैं इधर बता रहा हूँ आपको 1×1 = 28। ओके बटा 3, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 28 को आप 11 से गुणा कर दीजिए, या मैं कर दे रहा हूँ आप देख लीजिएगा, 28 को 11 से गुणा, 8×8 2×2 गुना 8×8 2×2 यहाँ 8×4 = 8, 2×10 का 0, हाँ तो बच्चा 1 3, 2×1 = 3, तो हम लोग का कितना आ गया 3 8 3 0 8/3। ओके ओके स्टूडेंट, हम लोग आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, छंकित भाग का क्षेत्रफल निकल चुका है 308/3। ओके ये हम लोग का आंसर हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मेरा जितना भी वीडियो हो वो आपके पास मोबाइल में चला जाए और आप उसे अच्छे से देख सको, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ओके और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसे भी कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू।